जनता, जनता अब की बार युवान अपने कंधे पर ले ली है। जी जी जी, हम एक 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 चांदी के सिक्के में बिकने वाले नहीं है। आज लगी हमने विधानसभा वहाँ बैठे भी ना देखे, कोई वीडियो फोटो कोई बैठे दिख गया। ठीक है लाल, हम युवा जो है 2000 में बिकने वाले नहीं है। जी, तो ये ताकतवर नेता है, ये दबाव डालने वाला है, पढ़ा लिखा है, समझ है, इसने काम करवाने का पता है, कानून का ज्ञाता है। बहादुरगढ़ में सिर्फ एक ही नाम एक ही आवाज, सिर्फ और सिर्फ रमेश दलाल, पढ़े लिखे बेरोजगार जी। जी, पढ़े लिखे बेरोजगार, ये बहुत बड़ी बात है जी। हाँ। कई जगह तो चुनाव में पैसा बटे, कई शराब बटे, कई कपड़ा जूता सिक्के सुनने मारे बटला रहे हैं, बर्तन चुन्नी आड़े के बट रहा जी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत, लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि बारी बारी से सर्वे कर रहे कई हलकों का, आज फिर पहुंचे विधानसभा बहादुरगढ़ में, और यहाँ कुछ राहगीर हैं और मैं इनसे पता करता हूँ कौन से हल्के से हैं, कौन से गाँव से हैं और इनके एरिया में किसका जोरा शोरा है। तो यहाँ कुछ युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुजुर्ग से। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है अंकल जी? गुलाब सिंह। कहाँ से हो अंकल जी? जसोर खेड़ी गांव से। जसोर खेड़ी से हो, अलका बहादुरगढ़ से ही? हाँ जी। क्या काम करते हो साहब? मैं तो जी अब घर ही रहता हूँ, बुजुर्ग हूँ। पहले रिटायरमेंट हो या खेती बाड़ी से ही? ना, खेती बाड़ी, दुकानदारी है जी। जी, खेती बाड़ी भी या दुकानदार से, बिजनेसमैन से, अगर दिल की बात पूछे। हाँ। आज चुनाव की गर्मा गर्मी तो काफी देख रहे होंगे। खूब देख रहा हूँ जी। पहले इतनी पहले भी देखी या इसी बार देख रहे जी? मैं तो जी मेरी 86 साल की उम्र, देखता आ रहा हूँ, देखते आ रहे हैं। आज अगर दिल की बात अंकल जी जानना चाहे आपके, तो किसको समर्थन करोगे? सीधा सीधा दो टुक जवाब भाई। मैं रमेश दलाल को समर्थन दे रहा हूँ। इसी का नाम क्यों लिया जी? और भी नेता, इसका नाम न्यू लिया जी। बाकी ये गरीब जी और किसान जी और व्यापारी जी जी का हमदर्द है जी, जी, सच्चा आदमी है जी, जी, बेलाग आदमी है जी, 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 इसमें कोई कमी नहीं है। हल्के का काम करने वाला है जी, 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 कोई जाति जमात नहीं है जी। 36 जमात का ये उम्मीदवार है जी। एक और चीज जी, हाँ, कई जगह तो चुनाव में पैसा बटे, कई शराब बटे, ठीक है, कई कपड़ा जूता सिक्के सुनने मारे बटला रहे हैं, बर्तन चुन्नी आड़े के बट रहा जी। आड़ा ना बट रहा जी कुछ जी, हम तो अपने घर पे रोटी खा का वहाँ जी, इसकी मदद के लिए जी जी, और अपनी रक्षा माओ से रक्षा मचा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम भाई अपना? रिकी नाम जी। कौन से गाँव से? जाखोदा से जी। जाखोदा से, अलका बहादुरगढ़। हाँ जी। क्या काम करते हो आप लोग? जी पढ़ाई की, एमकॉम की जी। जी जी। हाँ जी। अच्छा हुआ, पढ़े लिखे बेरोजगार जी। जी, पढ़े लिखे बेरोजगार, ये बहुत बड़ी बात है जी। पढ़े लिखे बेरोजगार और युवा, मतलब जब पढ़ लिख के बेरोजगारी रहेगी तो देश का फ्यूचर कहाँ होगा जी, मानते हो ना जी? जी बिल्कुल। आज बात करें पढ़े लिखे की भी और युवा की भी। हाँ जी। देश इतना घाटे में क्यों जा रहा है और इस घाटे से कैसे बचाएंगे? कौन से नेता देखोगे जो युवाओं को रोजगार मिले? बहादुरगढ़ में सिर्फ एक ही नाम एक ही आवाज, सिर्फ और सिर्फ रमेश दलाल। युवा, किसान, मजदूर सबका मसीहा एक ही है, उसका नाम है रमेश दलाल। इसने युवाओं की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, जिसकी भी आवाज उठाई है रमेश दलाल ने उठाई जी। बाकी कोई नहीं, 36 बिरादरी का कोई नेता रमेश दलाल। हम युवा जो है 2000 में बिकने वाले नहीं है जी, जी, हम तन मन धन से, हमें रोजगार चाहिए जी, हमें पैसे नहीं चाहिए जी, ठीक है, हमारे खून जो जज्बात है वे एक ही है, बस रमेश दलाल जी, जी, रमेश दलाल जी। इसको विधानसभा पहुँचाना, और अब की बार हम पहुँचा के रहेंगे। एक और चीज आज आपको पता, बहादुरगढ़ के अंदर कितने बेरोजगार जी, 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 कितनी कंपनियां है, किसी को रोजगार मिल रहा जी, सभी इधर उधर घूम रहे, 2000 रुपए से हमें रोजगार मिल जाएगा जी, जी, हमें रोजगार चाहिए जी, जी, किसान को अपनी मेहनत चाहिए। ये युवा बेरोजगार हैं, रमेश दलाल बेरोजगार हैं, लेकिन 2000 रुपए बिकने वाले नहीं है। हम नहीं बिकेंगे, हम अपनी मेहनत से, अपने उससे एक ही नेता मान रहे, एक ही आवाज है, सिर्फ और सिर्फ किसान की, मजदूर की, युवा की, कर्मचारी की, किसी गरीब की, 36 बिरादर मजदूर की, सबकी एक ही है, रमेश दलाल जी। रमेश दलाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अत्रेय है सर। कौन से गांव से जी? जसोर खेड़ी से। अलका बहादुरगढ़। अलका। कितने एम्प्लॉय निकालेंगे, कितने भर्ती हो रहे, वो एक अलग मेथड है। सीधे सीधे दिल की बात करें। अब मैं हूँ बेरोजगार। बेरोजगार कोई धंधा मेरे पास कैसे मिलेंगे? रोजगार कैसे मिले? किसको चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं भाई रमेश दलाल को। जी जी जी। एक तरफ का इलेक्शन अब की बार होने को जा रहा है। जी जी जी। आज आपने नाम लिया है जी, रमेश दलाल। हाँ जी। इसी का नाम क्यों आ रहा है जी? और भी खड़े हैं।
ये 36 कौम का भाईचारा है, हर एक की मदद करता है, ना कोई पैसा लेता ना किसी को देता। हम एक एक चांदी के सिक्के में बिकने वाले नहीं है, बेरोजगार बेचक लेकिन बिकने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर जी? उमेश सिंह नाम है जी। कौन से गांव से? मैं मांडोठी गांव से हूँ। मांडोठी गांव, दलाल साहब। दलाल साहब, आज बात करें चुनाव की जी। इस चुनाव के दौर में आप ये हमारे दलाल साहब, इनका दिल किधर है, किसकी तरफ है, किसको अच्छा मानते हैं? देखो जी, ये चुनाव है जी, जी। और आप चौधरी की बात कर रहे हो जी, बिल्कुल। तो अगर रोहतक की चौधर पर आनी है, सत नमन करते हैं जिनको, रोहतक की चौधर पर आँच आएगी तो हम रोहतक की चौधर की तरफ रहेंगे जी, ठीक है जी, जी। उसके बाद देखेंगे कौन सी पार्टी आती है कौन सी नहीं जी। उस मजे से भाई साहब का दिल की भावना जी, हाँ। पूछा ना, क्या नाम अपना? विकास है जी। कौन से गांव? विकास दलाल जाखोदा। जाखोदा जी, बहुत बढ़िया दलाल साहब। ये जो राजेंद्र जून है, इससे पहले भी जो विधायक थे वे भी जी, जी। हमने आज लगे विधानसभा में ये बोलते नहीं सुने जी, ठीक है। जिसने हमारे चुनकर भेजेंगे वो हमारे मुद्दे उठाओगा, दबाव डालेगा, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो, काम भी होंगे तो काम भी होंगे। आज लगी हमने विधानसभा में वहाँ बैठे भी ना देखे, कोई वीडियो फोटो को एक बैठे दिख गया, ठीक है। तो यह तो चमचागिरी हुई, ठीक है। यहाँ से न्या डला के चले जागे तो फायदा क्या हुआ इस हल्के को? फिर जब अपने अपने पावर नहीं दिखा सकते वहां जाकर तो फायदा क्या हुआ? जी, जी, जी। ये काम दिखने लग रहे, रोड टूटे, ठीक है, बिजली की परेशानी, सारी परेशानी आ रही है, क्यों इन आवाज उठानी नहीं? हम भोगते जागे, ये क्या कर रहा है? एक लीडर ने पकड़ा है, उसके नाम पर वोट लेंगे हम, उसके नाम, और उसके नाम पर काम क्यों ना करवाया? जैसे खुद भी कड़े कई लोगों ने बताया है कि पार्टी टिकट उनको देती है जो नेता चमचागिरी करे। दलाल साहब, दलाल साहब लड़ते हैं किसानों के लिए, ये तो बिना बने भी काम करवा रहे हैं, बिना बने भी काफी सारे धरने रो शिक्षक। सुनो, ये बहादुर की जनता से एक बात बताता हूँ, इसको एक अवसर दे दो, जो ये आसपास के जितने जिले हैं ना, बहादुर बहादुरगढ़ नहीं, सब जिलों की आवाज उठाकर चमका देगा इस एरिया ने, ठीक है, और पूरे इंडिया में नाम जागा। अगर दोबारा पूछना चाहिए, एक मात्र नाम कौन सा देंगे आप लोग? सीधा सीधा दो टोक जवाब। रमेश दलाल। सुनो, ये ताकतवर नेता है, ये दबाव डालने वाला है, पढ़ा लिखा है, समझ है, इसने काम करवाने का पता है, कानून का ज्ञाता है। इसको हर चीज की समझ है, ये और लीडर है। जैसे एक तो ये मालवी नगर में रहे हैं, इसका पता ही नहीं, ठीक है। दूसरा का मेरा नहीं, एक वो हमारी आदरणीय है, वैसे सहानुभूति से वो जो शीला राठी है वो उठ रही है, पहले MLA नफे राठी था, वो भी कभी हमने बोलता नहीं सुना वहाँ, ठीक है। तो जितने ये लीडर है, जितने उठे पक्ष ये उठ रहे हैं, एक भी हमने विधानसभा में हमारी आवाज उठाता नहीं देखा जी। तो एक बार बताओ फिर, ये जनता क्यों साथ होगी अब की बार? उसके अब की बार युवा ने अपने कंधे पे ले ली है जी, 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 कमान जी। और युवा है ना, रमेश दलाल को उठाकर विधानसभा में पहुंचाएंगे, युवा ने कंधे पे ले लिया है, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों का आशीर्वाद है ही है इसके साथ, कभी से हमेशा रहा, लेकिन अब की बार युवाओं ने उठा लिया है, ठीक है। आज आप लोग इसको मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, और इसको ज्यादा शेयर भी करना, और बड़े लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद, सत्य में हो जाते।